भाई अगर आपको पैसों की यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है, ऐसे वक्त में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा, आपको 4 से लेकर 5 हजार रुपए की काफी लोन की इमरजेंसी है, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेकर 20 हजार रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्रूवल करवाना है, कैसे आपको बैंक खाते में लेना है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो स्टेप स्टेप में आपको इस एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करूंगा। इस लोन को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो किसी प्रकार की ना तो बैंक स्टेटमेंट देनी ना तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी है और इंस्टेंट आपका लोन वहां से अप्रूवल हो जाएगा। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सब्सक्राइबर का जो लोन था वो यहाँ पे अप्रूवल करवा दिया है। तो भाई काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, जैसे किसी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते थे तो तुरंत उनका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता। तो भाई काफ़ी लंबे समय से परेशान होने के बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और जैसे उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो यहाँ पे मैंने उनका जो लोन था पूरे 10,000 रुपये का लोन यहाँ पे अप्रूवल करवा 10,000 रुपए का लोन मैंने इनको अप्रूवल करवाया। कैसे करवाया, अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम अपने लोन को अप्रूवल करवाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं आपका भी यहाँ पे लोन अप्रूवल करवा दूं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, सिर्फ एक पैन कार्ड, एक उन्होंने दिया था यहाँ पे आधार कार्ड। अब कैसे मैंने उनके लोन को अप्रूवल करवाया उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कितने आपके बैंक खाते में आएंगे, रिपेमेंट आपको कितनी करनी है, कैसे आपका लोन यहाँ से अप्रूवल होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 10,000 रुपए का हमारा लोन था ना, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपए हमारा लोन था और 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था। उनकी जो फीस लगेगी ना, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1180 रुपए की उनकी फीस लगी थी। आपके बैंक खाते में आएंगे 8820 रुपए, आपको समय मिलेगा 24 दिन का आपको समय मिलेगा। रिपेमेंट आपको करनी है 11,800 रुपए की आपको रिपेमेंट करनी है और तुरंत ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। देखो लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मैं प्ले स्टोर पे आ गया, मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया क्योंकि भाई काफ़ी लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन का नाम देखते हैं और लोन अप्लाई करने के लिए चले जाते हैं। जिनको लोन अप्लाई करने के बारे में नहीं पता हो आगे चल के उनका लोन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई 4 से 5 मिनट का टाइम निकाल के आपको सबसे पहले वीडियो को देख लेना है, उसके बाद आसानी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया। आप जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे आपको ऐसे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करना है। अब जो 3 स्टेप को कौन कौन से फॉलो करना है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी अपनी KYC, पर्सनल डिटेल आपको देनी है और गेट लोन का ऑफर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपके सामने लोन अप्लाई करूंगा, अगर आप मेरे तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी यहाँ पे फैच किया जाएगा। आपको करना है कि आपको गेट कैश वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंप्लीट, आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी KYC, उसके लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे लिखा आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी और तुरंत आपको लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना है कि आपको गेट ऑफर वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है एंटर हुआ पैन नंबर, आपका जो भी पैन नंबर है उस पैन नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर फिल कर दिया। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे आना, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा दिस पैन नंबर इज द, जो आपका पैन नंबर वहाँ पे निकल के आ चुका है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी निकल के आ चुका है। नीचे आके आपको ओके वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है अपना पैन नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने पैन नंबर को यहाँ पे फिल कर दिया। नीचे आएंगे आपको फुल नेम यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका फुल नेम है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे आपको अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना है, जो भी फादर नेम है। नीचे आएंगे अल्टीमेट नंबर, देखो वो नंबर आपको डालना है जो यहाँ पे एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे बंद नंबर को डाल देंगे तो आपको लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और आपको नीचे आने के बाद कंफर्म वाला सेक्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा कंपनी नेम, देखो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। डेजिग्नेशन, जिस जो भी आपकी पोस्ट है जैसे मैनेजर हो कुछ भी हो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे आने के बाद कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी, जो कंपनी की ईमेल आईडी आपको डालनी है कुछ भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद कंपनी का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका पिन कोड हो। नीचे आके आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, नीचे आके आपको सिटी यहाँ पे डाल देनी है और नीचे आके आपके जो भी सैलरी की डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। नीचे आने के बाद आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा करंट एड्रेस का। अब यहाँ पे जो करंट एड्रेस आपको मिलेगा ना, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यूटिलिटी डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी डॉक्यूमेंट टाइप को आपको फिल करना है। नीचे आपको लैंडमार्क, जो भी आपके आसपास की लैंडमार्क है उसको आपको क्लिक कर देना है। एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। दोबारा से आपको यहाँ पे मिलेगा पिन कोड को, आपको अपना पिन कोड जो भी है वो यहाँ पे पिन कोड को फिल कर देना है। नीचे आके आपको स्टेट को यहाँ पे फिल करना है, नीचे आपको यहाँ पे सिटी को फिल करना है, नीचे आके आपका जो एड्रेस अगर आपको लगता है कि सही है, आपको इस वाले चेकबॉक्स पे निशान लगा रहा है और आपको कंफर्म वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा फाइनल स्टेप, यहाँ पे लिखा है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन क्या डालना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपका बैंक नेम है वो बैंक नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो बैंक नेम आपको डाल देना है, नीचे आगे एफएससी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। एफएससी कोड डालने के बाद आपको दोबारा से नीचे आना है, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर देंगे उसके बाद नीचे आना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो जो सा भी आपका अकाउंट नंबर है आपको फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको जो अकाउंट नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड पे यहाँ पे नाम हो। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड पे नाम ना हो और आप किसी और का बैंक अकाउंट नंबर डाल दो तो भाई तुरंत आपका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो भी सेम होना चाहिए और आपका जो नाम है वो भी सेम यहाँ पे होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और अभी आपके सामने यहाँ पे जो लोन का ऑफर है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करेगी, आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगी, तुरंत आपको यहाँ पे एक अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनल डिसीजन यहाँ पे आ चुका है, मेरे को जो अप्रूवल अमाउंट मिला है पूरे 10,000 रुपये का मुझे अप्रूवल अमाउंट यहाँ पे मिल चुका है। देखो मैंने आपके सामने इस लोन को अप्लाई करके दिखाया कैसे आपको लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको अप्रूवल करवाना है। अगर आपको भी अपने लोन को अप्रूवल करवाना है तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिल पाएगा तो भाई मैं आपका भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूवल करवा लूंगा। तो भाई जल्दी से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो, उसके बाद कि आपको जो ऑप्शन है क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके सामने लोन को अप्लाई कर दिया, 10,000 रुपए का लोन था, पूरे 10 के 10,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। अब मेरे खाते में कितने आने वाले हैं, एप्लीकेशन का नाम कौन सा, वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो आपको जो समय मिलेगा थोड़ा कम आपको यहाँ पे समय मिलेगा। देखो यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है 10,000 रुपये का हमारा यहाँ पे लोन का अमाउंट है और यहाँ पे 10,000 रुपये का मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया था। प्रोसेसिंग फीस प्लस GST आपको देनी पड़ेगी 1,180 रुपये की। आपके बैंक खाते में आएंगे 2,820 रुपये। रिपेमेंट आपको करनी है 11,800 रुपये की। सिर्फ आपको समय मिलेगा 24 दिन का। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से बार बार क्लियर कर रहा हूँ, आपको जो समय मिलेगा थोड़े कम समय मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये के को अप्लाई किया पर मुझे टाइम मिला सिर्फ 24 दिन। तो भाई मुझे 24 दिन के अंदर इसकी रिपेमेंट करनी है, तो मेरे हिसाब से जो लोन है काफी महंगा लोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 रुपए का लोन है, सिर्फ 2,820 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे। आपको राउंड फिगर जो ब्याज लगेगा तो भाई 3,000 रुपए के लगभग आपको ब्याज लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी इंटरेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ले रही है। पर आपको लोन जब भी अप्लाई करना जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। देखो यहाँ पे आपको समय भी कम मिलेगा और आपको ब्याज भी एप्लीकेशन काफी आपके ऊपर यहाँ पे लगा रही है। देखो आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है या आपको लोन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। अगर आपका किसी वजह से इस एप्लीकेशन पे लोन डिक्लाइन हो जाता है तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक ऐसा लिंक लगाया जहां पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपको सिबिल नहीं भी रहेगा, डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो भी आपको उस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं। देखो 4.2 की रेटिंग है, जो 4.2 की रेटिंग है काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 10 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है, क्योंकि एक न्यू एप्लीकेशन है तो भाई काफ़ी कम इसके डाउनलोड भी है। आपको इसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। देखो अबाउट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आपको जानकारी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको देना है एक आधार कार्ड, एक आपको यहाँ पे देना है पैन कार्ड, बाकी की जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा आपकी जो एज है 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए, इनकम का सोर्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है 30,000 रुपए कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देने पड़ेगा सैलरी अकाउंट। देखो अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है, आपकी जो सैलरी है बैंक अकाउंट में आती है, तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सैलरी स्लिप भी आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपने इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है इसको जो प्रोवाइड कर रहा है, तो राम फिनकोरो पर्सनल लोन ऐप द आरके बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी विद द रजिस्टर्ड विद। तो यहाँ पे लिख रखा है आरबीआई विजिट यहाँ पे लिखा हुआ है,
इन्होंने अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे दे रखी है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ऑफिशियल मेल आईडी भी मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी और साथ में आपको इनका एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लीकेशन कब आई थी वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 29 अक्टूबर 2023 में अप्लीकेशन आई थी। अप्लीकेशन का नाम है राम फिनिक्रो पर्सनल लोन ऐप। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं भाई, 4.2 की रेटिंग है। अप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपको सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको भी अपने लोन को अप्रूवल करवाना है तो यहाँ पे मैंने दो बार पहले से बोल दिया, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ कि अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका भी यहाँ पे लोन अप्रूवल करवा दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।